जनरल मैनेजर्स वाइस प्रेसिडेंट्स रियली गुड मनी शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये लगता है कि यार, इतना पैसा तो कमाए पहला टारगेट ये होता है कि जितना मिल रहा है उतना तो आए और हमको शायद एक दो साल इस डिसीजन में लेने में डिले दि इसलिए भी हुआ बिकॉज लगता था इतना पैसा कैसे आएगा इतनी हुँ, जल्दी हुँ, फिर हमने डिसाइड किया ठीक है इतना पैसा शायद दो तीन साल में आएगा तो हमने लत से हमारी जो भी सैलरी थी उससे वन फोर्थ सैलरी हमने बोला कि चलो अपना एक कॉपस बनाया हमने अपने पैसे लगाए कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी लिया कुछ नेटवर्क के लोग थे और हमने बोला कि चलो वन फोर्थ सैलरी लेंगे और धीरे धीरे अपनी सैलरी तक तो लेंगे ही एक दो साल में पहुंच जाएंगे बट बात यह हुई कि जब डेढ़ दो साल पूरा हुआ तो सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे और हमारे पास चॉइस था कि या तो हम कंपनी में इन्वेस्ट करें या अपनी सैलरी लें बिकॉज हम होपफुल थे कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आज निकल रिजल्ट आएगा उसका लेट्स कीप इन्वेस्टिंग विथ यू नो टीम हायरिंग दिस टारगेट कि एक साल सैलरी नहीं लेंगे oh. अब हमारे पास जो भी थोड़े पैसे बचे हुए थे या हमारे दूसरे जो पार्टनर है उनके पास जो भी पैसे बचे हुए थे हम लोगों ने बोला जितना एक्सटेंड कर सकते हैं उतना और करते हैं तो अब क्या होता है कि जब आप सैलरी नहीं ले रहे होते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो शुरुआत का जो माइंडसेट था जब हम कंपनी में काम करते थे तो लगता था कम से कम सैलरी तो चाहिए इतनी। वो हम क्या बना रहे हैं और वो एक ऐसा नशा होता है कि आपको वो पैसे की जरूरत महसूस हाँ। नहीं होती उसमें हाँ। I'm, I'm, एक दो साल के बाद हमको लगा यार इट्स ओके okay. As 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 long long we we are are not able, as long as we are able to manage our of house, it's all fine. मैं आपको any point in time, पैसा लेना तो आसान है ना? आप दो आदमी मत एबल कीजिए, अपनी सैलरी ले लीजिए right? लेकिन अगर मुझे दो आदमी की जगह चार आदमी हायर करना है because मुझे इस बात का भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं अच्छा होगा तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया वो कॉम्प्रोमाइज हमने एक साल शुरू किया था हमने चार साल किया फोर इन Both the co-founders, we took zero salary means oh. zero salary. Not a penny from the company by any means.